शहर में काली घटाएं और ठंडी हवाएं, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। मालदोड, चौबुर्जी, इचरा, किनार रोड, शिमला पहाड़ी के अतराफ भी बारिश हुई। जीपीओ चौक, मौजे दरिया, जैन मंदिर, हाईकोर्ट, हाल रोड और दीगर इलाके भी पानी पानी हो गए। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बादल बरसने की पेशगोई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के शहर भर के दौरे। गुलबर्ग, जेल रोड, माल रोड, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक पहुंचे। बाछी पानी की निकासी का जायजा लिया। कमिश्नर का कहना है कि अंडर पासिस में निकासी आप के लिए मशीनरी फाल है। डीसी राफिया हैदर मुहर्रम के लिए कंट्रोल रूम का दौरा। कैमरों की मदद से निकासी आप का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर को नशीबी इलाकों को क्लियर करने की हदायत। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नए रावी पुल से 31,000 क्यूसी के सैलाबी रैले से दरिया में तो गया नहीं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू 112 और सिविल डिफेंस का अमला हाई अलर्ट। दरियाए रावी के किनारे आबाद खाना बदोशों को हटाया ना जा सका। पुलिस ताजुनात ना होने के बायस खाना बदोशों की नकल मकानी ऑपरेशन मुतासर। अड्डा छबेल बरकत टाउन में सीवरेज सिस्टम ना आ सका। इलाका मकीनों को शदीद मसाइल का सामना। बारिशी पानी घरों और गलियों में जमा। शहरियों का आला हुकाम से सीवरेज पाइपलाइंस बिछाने का मुतालबा। हुकूमत ने बिजली बल्कि महंगी नहीं बहुत ही महंगी कर डाली। बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये फी यूनिट इजाफा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली मजीद 1.81 रुपये यूनिट महंगी। उधर एलपीजी 24 घंटे में दूसरी मरतबा महंगी। कीमत 20 रुपये किलो बढ़ा दी गई, 240 रुपये किलो तक जा पहुंची। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान कादिर ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। 5 और 6 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। गरीबों को रोटी के लाले पड़ गए। आटे की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपये से भी महंगा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रश की वजह से आटे के महंगे दामों फरोख्त जारी। शहरियों ने निर्ख कम करने का मुतालबा कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयां। 70,765 मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद कराया गया, जबकि 1,80,774 मोटरसाइकिलों के कागजात कब्जे में ले लिए गए। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने जज ने परवेज इलाही को पेश न करने पर बरहमी का इजहार कर दिया। होम सेक्रेटरी, आईजी पुलिस और आईजी जेलखाना जात की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। 50,000 रुपये जुर्माना भी कर दिया। तीनों अफसरों को 5 अगस्त के लिए शोकाज नोटिस जारी। तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समात पर मुकम्मल चालान पेश करने का हुक्म। अदालत का हुक्म अदूली पर तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंदिया। खराब मोबाइल फोन देने पर शहरी अदालत पहुंच गया। एप्पल शॉप टाउनशिप के मालिक के खिलाफ हर जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। वजीर आला ने निकासियाब के मसाइल हल करने के लिए प्लान तलब कर लिया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत आला सतही इजलास। कहा माल रोड, मेन बुलेवर्ड और दीगर शाहराओं पर पानी की निकासी में कोताही न की जाए। मोहसिन नकवी की सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट का लेवल सड़क के मुतवाजी रखने की हदायत। सूबाई वज़राए सेहत की हेल्थ केयर कमीशन को अताइयों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने की हदायत। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में इजलास। डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर ने कमीशन की कारकर्दगी का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत अली जान, डॉक्टर यूनस शाहिद लतीफ, आसिम अलताफ और साकिब अजीज, अनवर जनजोआ शरीक। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि अताई किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास। वजीर मनसूबाबंदी माहौलियात बिलाल अफजल ने सदारत की। इजलास में सूबा भर में बारिशों और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना कमेटी ने 5,000 खेमे खरीदने की मंजूरी दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का वासा हेड ऑफिस का दौरा। एमडी वासा गुफरान अहमद की निकासी आप के लिए सिफारिशात पर तफसीली ब्रीफिंग। कमिश्नर के शहर के तमाम नाहमवार रोड्स की मुरम्मत कराने के अहकाम। एमसीएल का अमला, स्टाफ वासा लाहौर के जरिए इंतजाम करने की हदायत। लॉरेक्स कॉलोनी, तागुच निरावी, फिरोजपुर रोड मनसूबे पर काम तेज करने का हुक्म। शाहदरा
सीवरेज मंसूबा, रिंग रोड से बाटापुर मंसूबे पर भी काम तेज करने की हदायत। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर अनुज मसूद का थाना डिफेंस ए और बी का दौरा, हवालात, फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड रूम और पोलकाम ऑपरेटर्स का रिकॉर्ड चेक किया। उधर एसपी मॉडल टाउन डॉक्टर अम्मारा शिराजी की जेर सदारत मीटिंग, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के हवाले से जायजा भी लिया गया। नाकिस कारकर्दगी पर कसूरवारों को इजहार वजूह के नोटिस जारी। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से सिद्दीक ट्रेड सेंटर में हुसैनी लंगर का एहतमाम, सदर सेंटर अजहर अब्बास शाह ने लंगर का एहतमाम किया। ताजिर कायदीन हाजी इशफाक, यूनस बेग, फियाज चौधरी और अर्जमंद मकसूद की भी शिरकत। मॉडल बाजार स्टाफ की ट्रेनिंग के हवाले से इजलास, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा ने सदारत की। टेप्टा के बाहमी इश्तराक से मॉडल बाजार स्टाफ की ट्रेनिंग के हवाले से तबादला ख्याल, माजिद इकबाल, शाहिद कादे, नवीद रफाकत, रोशन जमीर और दीगर शरीक। पंजाब एजुकेशन बोर्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का इजलास, इम्तिहानी सेंटर्स को हायर एजुकेशन के हवाले करने और तालीमी बोर्ड्स को यकजा करने के फैसले की मजम्मत। सदर मलिक निसार का कहना है कि तमाम फैसले मुंतखब हुकूमत के आने तक रोक दिए जाएं। गरीबों के लिए हसूल तालीम के दरवाजे भी बंद, पंजाब यूनिवर्सिटी में हर तरह की फीसों में 10% तक का इजाफा। बीएससी ऑनर्स फीस सेमेस्टर 7100, बीएससी फिजियोथेरेपी मेडिकल लेबॉरेटरी फीस 11000 से भी बढ़ गई। निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से काफ लीग की मुशावरती कमेटी कायम, तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी शाफी हुसैन कमेटी के मेंबर नामजद। कमेटी नून लीग पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के लिए मुजाकरात करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 21 निकाती मंशूर मुल्क की बेहतरी और आवाम की तरक्की का जामन है। मरकजी सेक्रेटरी इतलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिस दिन इक्तदार मिला उससे अगले दिन तमाम इंतखाबी वादे पूरे हो जाएंगे। आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान इसाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने की हामी, मुआशी ताजिरबा का निगरान सेटअप की जरूरत है। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इसाक डार ने मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए बड़ी मेहनत की। लाहौर हाईकोर्ट में डायरेक्टर एक्साइज फिजा शाह को 50,000 जुर्माना और शोकाज नोटिस के खिलाफ इंटराकोर्ट अपील पर समाप्त। अदालत ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जानिब से जुर्माना और शोकाज नोटिस के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। कोथम कॉलेज गार्डन टाउन ब्रांच में डिग्री विद स्किल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब, गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ने सेंटर का इफ्तिताह किया। तुलबा की सलाहियतों को सराहा, कहा कि नौजवान नस्ल मुल्क का सरमाया है।